हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैमसंग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वूलन क्लॉथ को किस तरह धुलते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सैमसंग की फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें आपको साइकिल सेलेक्टर में 12 वॉश प्रोग्राम दिया गया है। इसमें हमें वूलन क्लॉथ्स को सिर्फ 2 kg से ज़्यादा नहीं धुलना है। तो आप देख रहे होंगे, इसमें साइकिल सेलेक्टर में आपको वूल या डेलिकेट देखा है, तो वूलन क्लॉथ्स को हमको इसी में ही धुलना है और किसी में हमको नहीं धुलना है। तो चलते हैं, वूलन क्लॉथ्स को धुलना अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच को ऑन कर देते हैं, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पावर से ऑन कर दिया। और ओपन करके मैं इसमें कंबल को डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक कंबल को डाला है, क्योंकि इसमें हमें 2 kg से ज़्यादा नहीं डालना है, इसलिए मैंने सिर्फ एक कंबल को ही डाला है। अब इसको मुझे क्लोज कर देना है। अब इसमें वूलन डेलिकेट्स की ओर सेलेक्ट कर देते हैं। जब मैंने वूलन डेलिकेट्स की ओर सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और स्पिन 800 है और टाइमर 53 मिनट सेलेक्ट हो गया है। तो अब हमें ड्रॉअर बॉक्स में वूलन के लिए मुझे इसको लगाना है, चूंकि वूलन के लिए मिलता है स्पेशली, तो इसे हमें सबसे पहले सेट कर देना है। ये सेट हो गया है। तो इसमें अब हम इजी को डाल देते हैं। इजी को डाला है। अब सेकंड वाले में मुझे कंफर्ट को डालना है। आप कंफर्ट अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको कंफर्ट डालना है या तो नहीं। अब इसे क्लोज कर देंगे हम। अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आप देख रहे हैं। तो वो डेलिकेट्स पे सेलेक्ट हो चुका है, अब टाइम 53 मिनट भी सेलेक्ट हो चुका है। बाकी इधर मुझे कुछ भी नहीं करना है पैनल में, और ये किट क्लोज है। बस अब मुझे इसको बस स्टार्ट कर देना है। तो मैं अब इसे स्टार्ट कर दे रही हूँ, और इसमें आप 2 kg से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे अब कंबल क्या है, धीरे धीरे पानी से भीगने लगा है, थोड़ा थोड़ा भीग रहा है, वाटर कलेक्ट होने लगा है। इसमें कंबल बहुत ही इजी से धुला जाता है, इसमें कंबल बहुत ही इजीली धुला जाता है और बहुत ही स्मूथ रहता है। मैंने सिर्फ कंबल को डाला है, इसलिए मैंने सिर्फ एक कंबल को ही डाला है, कि नहीं तो ये 2 kg से ज़्यादा होता था। अगर आप वूलन स्वेटर या फिर ट्राउजर या फिर कोई अदर ड्रेस डाल रहे हैं क्लॉथ्स को, तो आप 2 और भी पीस डाल सकते हैं। मतलब कि सिर्फ 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 kg ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस समय हमारा कंबल अच्छे से भीग चुका है और इसमें झाग भी अच्छे से बन गया है, तो कंबल बहुत ही अच्छे से इस समय क्लीन हो रहे हैं। A few moments later. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टाइम्स में अब 5 मिनट ही बाकी है, तो 5 मिनट्स में हमारे कंबल एकदम अच्छे से वॉश हो जाएंगे। आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को जरूर ही सॉल्व करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी कमेंट के मैं रिप्लाई जरूर दूं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसका स्पिन होना बंद हो चुका है और कंबल बहुत अच्छे से ड्राई भी हो चुका है। अब 1 मिनट के बाद ही हम इसको ओपन करेंगे। तो हमारे टाइम अब पूरे हो चुके हैं, अब मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि हमारे कंबल कितने अच्छे से क्लीन हुए हैं। वाओ फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।